कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मेरठ जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। विभिन्न माध्यमों से मतदान के प्रति रुचि जागृत करते हुए शुक्रवार को जिले की सभी NGO से मिलकर मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी नुपुर गोयल ने कहा कि 26 अप्रैल को गर्मी होगी लेकिन वोट अवश्य करें। वोट किसी को भी करें लेकिन करें अवश्य। प्रत्याशी पसंद नहीं है तो नोटा का भी विकल्प खुला हुआ है। देखिए क्या कहा मुख्य विकास अधिकारी नुपुर गोयल ने। जैसे आप 26 अप्रैल को है तो सबको लगेगा कि गर्मी बहुत है, क्यों जाना है धूप में, बट नहीं। अभी हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर हमारा वोटर आईडी कार्ड है तो हम सब लोग अपने घर से बाहर जाए, वोट दे और जिसको भी चुनना है उसको चुनिए। देखिए आज मैं आप सबके बीच में ना इसलिए आई हूँ कि आप सब लोग वोट डलवाए। मैं यहाँ पर ये कहने नहीं आई हूँ कि आप फला पार्टी के लिए वोट कीजिए या इसके लिए वोट कीजिए। मेरा जो एम है वो है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर नोटा को व्यक्ति अपना मत देकर, ये नहीं कि आप वहाँ पर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं हम स्वीप के अंतर्गत किस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, अगर आप स्वीप के लिए काम कर रहे हैं तो सिर्फ आप वोट डलवाने के लिए काम कर रहे हैं। हम सब जाकर ये नहीं बोल रहे हैं कि आप फला पार्टी के लिए या एक्स कैंडिडेट के लिए या वाई कैंडिडेट के लिए वोट कीजिए, नहीं। हम सब लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं कि एक वोट की कीमत बहुत ज्यादा है, आप प्लीज घर से बाहर निकलिए और वोट दीजिए। खासकर जितनी भी यहाँ पे महिलाएं बैठी है तो मेरा आप सबसे तो एक खास अपील है कि प्लीज बाहर खुद भी निकलिए और साथ ही साथ में अपने आसपास अपने NGO के थ्रू बैठक के बाद मेरठ की प्रमुख NGO से जुड़े समाज सेवियों से जब FirstBite.TV ने बात की तो उन्होंने यह कहा। जी आज जैसा कि यहाँ पर विकास भवन में एक मीटिंग रखी गई थी तो जिसमें हमारी जो मैम है उन्होंने सबको यहाँ पर संबोधित किया, सबको बताया कि हम लोगों को मतदान अवश्य करना है। सबसे पहली बात तो यह है कि मतदान जरूर करना है, चाहे आप वो किसी भी राजनीतिक दल को दें लेकिन आपको मतदान जरूर करना है क्योंकि हम सबका एक एक जो मत है वो कितना जरूरी है और ये हमारा अपना सबका अधिकार है। तो हम सभी लोग मिलकर के यही चाहेंगे कि हम लोग लोगों को जागरूक करें कि जितना हो सके हम लोग मतदान करें और कोई भी ऐसा ना हो व्यक्ति जो कि मतदान से रह जाए। तो हम सभी महिलाएं जितनी भी हैं हम लोग पूरा प्रयास रहेगा कि अपने आस पड़ोस में जहां हम रहते हैं कॉलोनी में हर जगह वहां पे लोगों को जाकर के अवेयर करें, खासकर महिलाओं को और जो अभी जो 18 ईयर्स के जो बच्चे प्लस अभी हुए हैं 18 प्लस में उनको हम लोग जो है मतदाता जागरूकता के लिए अवेयर करें। मैं डॉक्टर मोहिनी मेरठ से आज की मीटिंग के लिए मैं यही मेन कहूंगी कि जो आज की मीटिंग मैम ने की है हमारा उद्देश्य यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदान खुद भी करें और अपने आसपास के और ख़ास तौर से वो लोग जो नहीं जा पा रहे हैं या जो वो फॉर्म भरना था नहीं भर पाए हैं उनको ले जाने लाने की सुविधा कर सकें या अगर हमारे पास अपना कुछ ऐसा वाहन है तो हम उसमें बुज़ुर्ग लोग जो हैं जो नहीं खुद जा सकते तो उनको ले जाके उनके लाने ले जाने का कर सकें कि उनको मतदान के लिए प्रेरित करके उनको पहुंचाएं और उनके घर भी सुरक्षित उनको पहुंचाएं। मैं निस्वार्थ वेलफेयर सेवा फाउंडेशन से रेखा सिंह, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो महिलाएं अपने मत का उपयोग नहीं करती हैं, सोचती हैं आज छुट्टी है हमें घर में हॉलीडे मनाना है हमें वोट डालने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको समझाना चाहिए कि आपको घूमने बाद में जा सकते हो, घर के काम भी बाद में कर सकते हो, पहले अपने मत का उपयोग करें। प्रीति जैन, द साइलेंस। लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। सबसे जो प्रॉब्लम आती है लोग छुट्टी मनाने निकल जाते हैं तो पहला काम तो यही है उन बच्चों को के साथ हम स्कूल कॉलेजेस में गए हमने यही कहा कि अपने पेरेंट्स को ये कहें पहले वोट दें फिर घूमने जाएं। नॉर्मली सब छुट्टी मना देते हैं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। लोगों से बात करेंगे उन्हें जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। जब बात करेंगे तो शायद उन्हें समझा पाए और कोशिश यही रहेगी उन्हें ज्यादा से ज्यादा समझाएं। नमस्कार, मैं एडवोकेट हीना रस्तोगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांति देवी फाउंडेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज स्वीप की एक मीटिंग हुई थी जिसमें CDO मैम ने यही बोला है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएं और सभी संगठनों को एकजुट होकर कार्य करने के लिए भी प्रेरित किया है। उसी में मैं कहना चाहूंगी कि कांति देवी फाउंडेशन ने भी अपनी कमर कस ली है और जागरूकता अभियान वो चलाने वाला है ताकि जो हमारा अधिकार है मत देने का अधिकार उससे कोई भी इंसान वंचित
वंचित न रहे, सब अपने अधिकारों का प्रयोग करें, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए सभी को अपील की जाएगी कांति देवी फाउंडेशन की तरफ से। यही मेरा जागरूकता अभियान रहेगा और इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगी। देखिए, यही कहना चाहूंगी कि मतदान अवश्य करें, आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। अगर आपको कोई पसंद नहीं आता तो वहां नोटा का भी विकल्प है, लेकिन मतदान अवश्य करें क्योंकि मतदान से बेहतर आप इस देश के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर सकते। तो मतदान महादान मान करके उसको आप कीजिए। यह आज की मीटिंग में बहुत उद्देश्यपूर्ण थी कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, दूसरों को बोलने के लिए भी मिलता है। मतदान सबके लिए बहुत जरूरी है, हर नागरिक का कर्तव्य है और हमारे जो हम NGOs हैं, हमारा काम है लोगों को मोटिवेट करना। जो लोग आजकल मतदान के लिए उदासीनता हो गई है, चले जाएंगे ये सोच कर कि वो वोट नहीं देते हैं, तो हमें हर एक दूसरे को जागरूक करना चाहिए, जितने चाहे वो युवा हो चाहे वो बुजुर्ग हो, जो उदासीन है उनको हम साथ लें और बूथ पर जाएं, ये उद्देश्य सबका होना चाहिए। मैं मेरठ वासियों से अपील करता हूँ कि 26 तारीख को होने वाले मतदान में अधिक से अधिक मेरठ शहरवासी मतदान में भाग लें और अपील करता हूँ इस तरीके की कि कोई भी घर में ना सोया रहे और ना के हॉलीडे मनाने चला जाए। अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक चुनाव का पर्व देश का गर्व है और ये मेरठ के गर्व की बात है कि अधिक से अधिक मतदान करें और मतदान में शामिल हों। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा हम मीटिंग में आते रहते हैं और जब भी कोई शहर में, समाज में या चुनाव के, जैसे चुनाव हो इसमें, मतलब कोई भी मीटिंग होती है तो उसके लिए सुझाव सारी जो संस्था है उनको इकट्ठा करा जाता है और बात करी जाती है उनसे। तो इसका भी है कि जैसे 64% पिछली बार चुनाव मतदान हुआ था, तो मतलब इस बार हम चाह रहे हैं कि सभी संगठन मिलके और जो हमारे अधिकारी हैं, आला अफसर अधिकारी हैं, वो सब मिलके इसको चुनाव का परसेंटेज भी बढ़ाया जाए और घर घर जा करके जितनी यहाँ संगठन बैठे हुए थे, जितनी NGO बैठी हुई थी, क्योंकि NGO बनाने का भी मकसद यही है जब तक हेल्प ना करे और लोगों के घर घर जाके उनको बंदों को निकाल के और वोटिंग कराए उनकी। तो डॉक्टर चाहता है कि एक सशक्त हिंदुस्तान बने और डॉक्टर के लिए और सभी हिंदुस्तानियों के लिए नेशन फर्स्ट की पॉलिसी जो है ये सर्वोपरि है सभी हिंदुस्तानियों के लिए। तो उसी पॉलिसी पे चलते हुए जो हमारा चुनाव का पर्व है वो हमारे देश का गर्व है। तो इलेक्शन 2024 के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। मेरठ का जो वोटिंग परसेंटेज है लास्ट ईयर 64% था, 64%, इसको हमें बढ़ा के 70% से ऊपर ले जाना है, यही हमारा इस बार का जो है ध्येय है। और आज हम यहाँ पर CDO मैडम की मीटिंग में आए तो IMA ने यहाँ पर मैडम को बताया, जो मैडम को पहले से भी पता था और मैडम के सजेशन से और DM साहब के सजेशन से ही जो IMA पिछले दिनों DM साहब ने मीटिंग ली थी और शपथ दिलवाई थी, उसके बाद ही ये हमारा मैटर डिज़ाइन हुआ था कि एक तो जो व्यक्ति हमारे को वोटर अपना निशान दिखाएगा, सियाही का निशान दिखाएगा उंगली पर, उसको 20% की छूट मिलेगी। दूसरा, हर पर्चे के ऊपर जो OPD के पर्चे हैं, मेरठ में लगभग 1250 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं IMA के, हर डॉक्टर रोज के दिन लगभग 10 से 15 मरीज देख लेते हैं, तो रोज हमारे पर्चे से लगभग 15,000 से 20,000 लोग हमारे संपर्क में आते हैं, हमारी संस्था के संपर्क में आते हैं। तो रोज हम इन लोगों को पर्चे पे मोहर ला के देंगे कि वोटिंग जरूर करनी है, किसी भी पार्टी को करें वो जरूरी नहीं है, वो आपका अपना जो है मानसिक झुकाव हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।